सर्वे सही है या गलत है, क्या है? बिल्कुल सर्वे होगा तो सबका जमीन जिसका है उसका हो जाएगा। सरकार का समर्थन कर रहे हैं, सरकार विपक्ष में रहते हैं? भाई विपक्ष अपक्ष का बात नहीं है, जिस जमीन में कहीं लटपट है लंदफंद है वो आदमी अपने जमीन का कागजात दुरुस्त कर लेगा तो इसमें गुनाह क्या है, अपराध क्या है? कह रहा कि कागजात नहीं है, जिसके पास पुराना खतियान नहीं है तो वो क्या करेगा? कह रहा कि नया खतियान में किसी का चढ़ गया, अभी लोग बोल रहे थे ये गलतियां अब उसी के सुधार के लिए हो रहा है ना। कौन सुधारेगा उसको? जो जो लोग रहेगा जिसका जिसकी जमीन है, जिस होगा उसका कर्मचारी जो लोग जो गड़बड़ कर दिए हैं जिन गरीब लोगों का, उसको कौन सुधार पाएगा? फिर गलतियां हुई है। एक मेरे अपने चचे का अपना हिस्सा जमीन, जैसे वो जमीन है उसका हिस्सा, वो मेरा जमीन तो सही पर है और फरी का जमीन का, और एक हमारे फरी का जमीन जो है दूसरे आदमी के नाम से चढ़ गया, ये गलती हो चुकी है, 72 में हुई है। तो अब ऐसे अब सब गलती बात मत करने लगी है। तो बात यहाँ पर ये है, उसके सुधार के लिए अब लोग जागरूक भी हुए हैं। कागज़ कभी नष्ट कहाँ से हो गया, कहीं ना कहीं तो कागज़ होगा ही। बहुत सा ऐसा जमीन है जो जानबूझ करके उसको बिहार सरकार कर दिया गया, पैसा नहीं मिला अंचल में, तो उसमें DCLR में लोग कह रहे थे कि साल साल भर से अभी अपील नहीं हो रहा है, बात नहीं सुन रहा है, तो कैसे होगा उन लोग का? उन लोग का तो जमीन बिहार सरकार लिखा जाए। अब तो हरिश्चंद्र पैदा होंगे तब उस तरह का ऐसा ही होगा। जब हम सारे बेईमान हैं, हम भी चाहते हैं कि इनका जमीन हम अपने नाम से करा लेंगे, या उसको 5-10 हज़ार रुपया देके 100 काम देखते थे करते हुए, मुठरी बांध बांध के आता था लेने के लिए और बिना कहे हुए रसीद लेकर के फेंक देता था, तो उसमें क्या कही व्यवस्था में छोड़ लोग सारे लोग क्या होगा? लगता सर्वे से असावधान है। हम इसमें इस बात से सहमत हैं कि जो सुधार जो हो रहा है तो लोग अपना अपने जगह हक के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए खड़ा होंगे, और ये अच्छी बात है। ये सर्वे अगर हो रहा है तो कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, और उसमें कहीं गड़बड़ी तो होगी। हम कहाँ कहते हैं कि सब हरिश्चंद्र के पैदाइश है, वहाँ भी गड़बड़ी हो सकती है, कहीं हर जगह पर बंदोबस्त पदाधिकारी ने कहा गड़बड़ी होगा, 3 जगह आपत्ति दे सकते हैं तुरंत। अरे वो तो ठीक बात है, हम ये कहाँ कहते हैं कि गड़बड़ी नहीं हो, गड़बड़ी होगी, लोग मुस्तैद रहेंगे तो अपना हिस्सा अपने ज़मीन का हिस्सा करा लेंगे, बेईमान जो लोग रहेंगे वो सब चाहेंगे कि इधर से हेरा फेरी करना। तो चलिए, राष्ट्रीय जनता दल के उमेश राय हैं जो प्रदेश महासचिव हैं, और ये इतने लोग देखे ये भी यहाँ पहुँचे हैं, समस्या सबके साथ है, देखिए चेहरे पर उदासी है, कोई हंसना हंस नहीं रहे, क्या है परेशान है? हाँ परेशान है। परेशान है, जमीन किसी और के नाम से हो गया है। अच्छा, रोड में चला गया है 6 लाइन में। अच्छा, तब पैसा मिला होगा ना? नहीं पैसा नहीं मिला, कोई और उठा लिया है। अच्छा, खतियान उसके नाम से बना हुआ था, पुराना खतियान किसके नाम से था? उसके नाम से है। नया भी? हाँ, कागजात नहीं है, 50% लोगों को कागजात नहीं है। हाँ, अभी देहात में 50% लोग को जानकारी भी है, कागजात भी नहीं है। अब तैसी बाने कागजात तैयार हो जाएगा जो हो? सुनिए, 10 कट्ठा खेत के वाला है और वहाँ खतियान उसको बन गया 3 कट्ठा 4 कट्ठा का, उसका क्या समस्या होगा? अच्छा, धीरे धीरे तो कागज निकालिएगा ना आप लोग, इसी बहाने टाइम मिलेगा ना, मौजा में मिलेगा ना, मौजा में किसी का होगा बंसावली का सर्वे है पहले। सुनिए एक मिनट, 5 कट्ठा जैसे सर्वे जो है देहात में 5-5 बीघा जमीन का एक गो जमाबंदी है, अभी सरकार कर रहा है कि कौन कौन खेत का जमाबंदी है, वो पहले उसको ठीक होना चाहिए। लेकिन वो दूसरे बात, वो देहात में अभी आपको वो नहीं हो रहा है, अभी जैसे कि अभी पदाधिकारी ने कहा है कि पहला बेर में जो मौजा होगा वो जो नक्शा होगा उसके हिसाब से लिखा जाएगा, जिसमें जो चीज वास्तविक होगा वो लिखा जाएगा, बाद में जमाबंदी नक्शा जो है। जैसे हमारा ही घर का जो है पेपर है 2.5 कट्ठा के वाला है मालिक से, और उसका नक्शा बन गया 1 कट्ठा 7 दूर, 1 कट्ठा 13 दूर, हम 4 भाई कैसे रहेंगे उसमें, कैसे होगा उसका, जानकारी था नहीं, पिताजी थे नहीं। चलिए इसी बहाने आप लोग तैयार हो जाइएगा। देखिए ये जो सर्वे को लेकर के जी कंटिन्यूस खतियान के लिए सब चिरकुट दाखिल करने के लिए आते हैं, चिरकुट दाखिल करते हैं। स्टाफ कितने हैं आपके पास, क्या कितना हो पाया? बस 3 स्टाफ हमारे पास लिपिक में है और एक हम अकेले हैं, बड़ा प्रधान लिपिक में अकेला हम हैं। तो कैसे करें, अचानक भीड़ बढ़े, अपने अधिकारी को बताया कि यहाँ अचानक भीड़ हो गया, कभी कुछ हो सकता है? आज भी बता के आए हैं अचानक पदाधिकारी को। क्या बोले हो? अभी कुछ बोले नहीं है, फिर अभी जा रहे हैं यहाँ पर, अगर जब तक लोग नहीं होंगे आपके सपोर्ट में तो कैसे काम होगा? अचानक कितना आता है अभी कितना आ रहा है? अभी तो आज लगभग अभी काउंट तो नहीं किया, लगभग 300-400 से कम नहीं होगा। तो देखिए ये स्थिति है, बाहर भीड़ है, अंदर पर स्टाफ कम है, इस पर उधर में दो
उस परिस्थिति में कैसे होगा ये सर्वे कार्य, क्योंकि सर्वे को लेकर के सबों के दिल में डर समा गया है। हालांकि बंदोबस्त पदाधिकारी ने अभी हमें कहा है कि लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, जो वस्तु स्थिति है वही दिखाया जा सकता है। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।